जिला पंचायत उपाध्यक्ष विकास खंड हनुमना पहुंची, जांच में सामने आई भारी गड़बड़ी। ना ढंग का खाना, ना ही सोने का माकूल इंतजाम, ना ही टॉयलेट की साफ सफाई, या यूं कहे रहने के लिए जो भी मूलभूत सुविधाओं की जरूरत होती है वह सब नदारद पाया जिला पंचायत उपाध्यक्ष विभा पटेल ने। हम बात कर रहे हैं विभा पटेल के विकास खंड हनुमना के दामोदरगढ़ शासकीय हाई स्कूल व वहां पर बने छात्रावास की, जहां पर जांच के दौरान कुछ भी ठीक नहीं नजर आया। फिर चाहे वह बच्चों के लिए टॉयलेट हो, गंदा कचरे से भरा नजर आए, सोने के लिए बिस्तरों का अभाव, वह भी इस ठंड में, पढ़ाई की बात करना तो बेमानी ही है, खाना ऐसा जिसे शायद ही कोई खा सके। हम आपको लेकर चलते हैं जिला पंचायत उपाध्यक्ष के निरीक्षण के समय वहां का हाल दिखाने। आइए चलते हैं प्री मैट्रिक अनुसूचित जन छात्रावास पिपराही। एक तो जी रहते हैं, देखिए यह खाना है हजराज, देखिए यह कहा बच्ची हम कहा यह खाना के कहा बच्ची यह खाना ये इस है? देखिए बच्चिया खाना तब नहीं खाई है, यह लेके देगी अपना बच्चे, मैं तो जानना करे जाते इंसान आई गरीब आई निकाला, लेकिन भगवान इनका बताइए अपना बजे कहिए नहीं लागे की भूल पड़ी कैसे पड़ी है। इसमें भाई कर्मचारी, इसमें कौन सी बात है भाई, उनकी मर्जी नहीं है। भाई उनको बोले ना कौन खाना खाइए, वही बर्तन रखिए, यहाँ बताइए अभी बच्चियाँ नहीं है। ठीक है चार पाँच जो पूरी बिल्डिंग खत्म कर दिया तो पैसा निकल जाता है। बताइए यहाँ जाला का नया हॉस्टल, अभी जो बना नया हॉस्टल है, ये स्थिति देखिए, ये देखिए हॉस्टल की 50 बच्चे टॉयलेट की नदी बल्कि बात रहे, सफाई नहीं करी था ये ना स्वीपर नहीं आ बताई बता सफाई तो स्वीपर आवत कर रामायण पढ़ा दे गंगा पढ़ दे का कर रहे राम भाई की नहीं मरी है आज मैना भाई है भाई। सब्जी खा था लड़कन खवाई थी, अपने दया नहीं ला रहे थे अपने का बढ़िया बढ़िया खाई थे उनका आता चाहे बीमार कहे खाई बच्चिया खाना नहीं खाती है सब्जी मंगवाई अपना बताई नहीं खाती है ये हमें खाना दी चक बताओ बच्चिया नहीं खाती ये हमें रिश्ती थी ये हमें टटिया ये हमें रिश्ती थी क्या बताई लेटरिन में लकड़ी बाहर शौचालय मोदी जी के साथ डबल कहा शौचालय स्वच्छता खातिर
तो कोई मास्टर है ना आपको पढ़ाएंगे, तो क्या इस तरह से पढ़ाएंगे तो मास्टर होते? बता दीजिए हमको आप, अगर इस तरह आपके मास्टर आपको पढ़ाए होते तो क्या आप मास्टर होते? मुझे एक जवाब इसका आप दे दीजिए। तो क्या आप बताइए, आप अपने बच्चे को मान लीजिए, मान लीजिए कि आपके बच्चे हैं, आप अपने बच्चे के साथ इस तरह चाहेंगे कि हमारा बच्चा जाए जिस स्कूल में, उसके साथ ऐसा हो उससे का तक ना बने, दूसरी के बच्चे से का ना बने, आ ना बने, क्या आप ऐसा चाहोगे? अपने बच्चे के लिए नहीं चाहोगे ना। लेकिन ये गरीब के बच्चे हैं, इनको साधन सब सुविधा दे रही है, सिर्फ आपका काम है पढ़ाई करना करवाना इनका, लेकिन आप लोग इनको किसी तरह से मतलब नहीं तैयार कर रहे हो, कहते हो कि वो होते नहीं है। अरे इनको बोलना कौन सिखाएगा? तो वहाँ व्यवस्थाएं मैं यही पाई कि वहाँ न साफ सफाई थी, और वहाँ मैंने देखा कि जो टीचर हैं उस आश्रम में, तो वो संविदा के टीचर को अधीक्षक बनाया गया है, जो कि नियम में नहीं है, जबकि वहाँ सीनियर टीचर्स हैं स्कूल में, तो फिर सीनियर को देना चाहिए प्रभार, पहली बात। दूसरी बात, जो भी अधीक्षक हैं तो 10 दिन 15 दिन में आते हैं, और वहाँ चौकीदार के भरोसे आश्रम चलता है, और अधीक्षक आके 15 दिन में देख करके चले गए। और वहाँ मैं जब गई तो बच्चों से भी कुछ नहीं, ना साफ ना सफाई ना कुछ भी पाई, और खाना पीना है तो भगवान, जबकि सरकार इतनी सुविधाएं आज बच्चों के, गरीब बच्चों के लिए शासन इतनी सुविधाएं दी है कि मुझे तो देख करके इतनी मतलब क्या बताएं आपसे कि कष्ट हुआ, कि मुझे तो बहुत ही तकलीफ़ हुई ये स्थिति देख करके, बात नहीं कर पाई। लेकिन वहाँ से मैंने जो देखा तो मैं कल से बहुत ही मुझे तकलीफ़ है, और मैं दूंगी वीडियो साहब को, वहाँ की स्थिति बताऊंगी कि इस तरह की स्थिति में आप कोई ना कोई कार्रवाई करिए, और जो ऐसे अधीक्षक हैं उनके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई करिए और हटाइए उनको, जो कि पैसा बजट जो है शासन का निकाल रहे हैं, जबकि इनको इतना बजट भी आता है, उनको खाद्यान्न भी मिलता है। अरे आप उनको खाना तो भरपेट दीजिए, जब पढ़ने के लिए सरकार टीचर लगाई है तो टीचर बैठे रहते हैं, तो उनको पढ़ने के लिए तो आप पढ़ाने के लिए तो बोलिए, नहीं तो क्या मतलब है? आप बंद करो ये हॉस्टल।